हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? जी दोस्तों, देखो ये जो StarQ W3B जो मॉडल है, ये जो मॉडल है ये मेरा एक सब्सक्राइबर ने ख़रीदा था और उनका जो मशीन है ये प्रेशर कम हो गया है। तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो बाद में उन्होंने मेरे पास लेकर के आया, मतलब नज़दीकी किधर रहता है, तो मेरे से कॉन्टेक्ट किया और मेरे पास ये मशीन लेके आया है। बोले इसको आप देखो खोल के कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्चुअली कि आप मशीन का प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपने मशीन खरीदा नया और अच्छा खासा प्रेशर है और अगर थोड़े दिन बाद अगर कुछ ख़राब हो जाए, मतलब कुछ अंदर कचरा फंस जाए, कुछ भी हो, अगर प्रेशर कम हो जाए, तो आप उसको सही कैसे कर सकते हो आप खुद ही, मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ दोस्तों। और एक बात ये है, देखो ये जो मशीन है ना, सेम जैसे StarQ W3 W4 W5 या तो आप JPT का कौन सा सीरीज, मतलब जो भी मशीन जो इस तरह का टेक्नोलॉजी से बना हुआ है वो सेम काम करेगा जैसे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली करना क्या है इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए। ये देखो आप, मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है और मैं आपको अभी ये चला के दिखाता हूँ मशीन कि भाई मतलब देखना कितना कम प्रेशर आता है इसमें। देखो पूरा मैंने फुल कनेक्शन कर लिया है और ये जो मशीन है ना, देखो यार कितना मतलब रफ एंड टफ यूज़ किया गया। मतलब एक्चुअली कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो मतलब मुझे लगता है वो दीवार प्लास्टर वगैरह करते ना, तो बाद में वो क्यूरिंग करने के लिए इस मशीन को यूज़ किया, मतलब पानी का प्रेशर से उसको गीला करने के लिए यूज़ किया। एक्चुअली ये मशीन इसके लिए है ही नहीं, बहुत ही रफ एंड टफ यूज़ किया। देखो इसका पूरा गंदा है, ऐसा सीमेंट भी लगा। ये देखो अब मैं अभी चालू करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अभी कैसा काम हो रहा है। ये देखो ये कितना कम प्रेशर है, देखो देखो प्रेशर ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखो ज़रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, हाथ सामने रख सकता हूँ मैं। देखो अगर आपका अगर मशीन में अगर ऐसा प्रेशर कम आ जाए तो सबसे पहले स्टेप क्या करना चाहिए, ये देखो हमारा जो इनपुट वाला जो पाइप है ना, हम इसको पानी अंदर से खाली कर देंगे। ये देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा ही प्रॉब्लम हो, है ना। तो हमारा प्रायोरिटी सबसे पहले क्या रहेगा इसके अंदर, अगर आपका मशीन का प्रेशर एकदम कम हो गया है, एकदम कुछ मतलब ज़्यादा ही कम हो गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये जो छोटा वाला इनपुट पाइप है इसको आप पानी निकाल दो इसमें से, फिर इसके अंदर डाल दो थोड़ा शैम्पू, ऐसा 100 ml जितना शैम्पू इसमें डाल देने का। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा करना रहता है। यस, मैं इसका ढक्कन लगा देता हूँ। देखो ये मैंने अभी इस पाइप को ना शैम्पू से भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मशीन चालू कर देता हूँ मैं। गन किधर है इसका, इसको गन को दबा के रखेंगे और बाद में मशीन 1 सेकंड के लिए चालू करता हूँ उसको थोड़ा। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा चालू करते बाद शैम्पू अंदर चला गया है ना, अब हम इसको पानी के साथ कनेक्शन कर देंगे फिर से जैसा का जैसे पहले था ना वैसे ही सेम। ठीक है, हम फिर से इस मशीन को चालू करेंगे और देखेंगे बाद में कैसा काम हो रहा है वो। देखेंगे प्रेशर बढ़ता है क्या, पर आपको ये प्रायोरिटी ये पहले आपको करना चाहिए। हाँ, अगर प्रेशर इसमें से नहीं बढ़ता तो भी आपको ये पहले करके ट्राई करके देखना ही चाहिए। अगर ज़्यादातर मशीन में कचरा आने की वजह से ना प्रेशर ऐसा होता है, तो अगर आपकी मशीन कचरा है तो निकल जाएगा, तो बाद में ऐसा ऑटोमेटिकली ठीक होने का चांसेस है। वैसे शैम्पू डालने के बाद थोड़ा प्रेशर तो बढ़ा है, पर उतना भी नहीं है, थोड़ा फिर भी प्रेशर कम है, और बढ़ना चाहिए प्रेशर, उतना नहीं बढ़ा है। मतलब अभी जब प्रेशर बढ़ा नहीं ना, अभी जैसे आपका भी शैम्पू आपका भी मशीन अगर ऐसा हुआ तो हम बाद में इसे खोलेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा अंदर से, मतलब खोलने के बाद देखेंगे अभी अंदर क्या परेशानी है। मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ा है पर उतना भी नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, फिर हम अभी खोल के देखेंगे अंदर क्या परेशानी है उसको, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें से। तो हम सबसे पहले मशीन को खोलेंगे, उसके लिए हमको चाहिए स्टार वाला ये स्क्रू ड्राइवर। स्टार का किधर है, यस यस yes, ये देखो ये मीटर बाहर आ गया, इसको हम साइड रखते हैं। ये ढक्कन भी निकल दिया, ये देखो ये अंदर ऐसा डिजाइन रहता है। ये देखो आप थोड़ा ध्यान से देख लो एक कैसा खोलने का रहता है, स्टेप बाय स्टेप ना, आप भी ऐसे ही खोलने का। हाँ, अगर ऐसा उल्टा सीधा करोगे तो बाद में वो प्रॉब्लम हो जाएगा, खुलने को नहीं आएगा फिर वो। अब देख लो स्टेप बाय स्टेप मैं कौन सा स्क्रू खोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे खोलोगे तो बाद में आपका काम आसान हो जाएगा। यस, ये ठीक है, इसको हम क्या करेंगे रेड वाले को, इसको हम एक सिंगल ऐसा
ऐसा जॉइंट एक गांठ मार के रखेंगे ऐसा, इससे हमको क्या हो जाएगा पहचानने में आसान हो जाएगा। तो आप ऐसा ब्लैक कलर का टेप भी मार सकते हो, ये हमको इधर लगाने का इसमें है ना। ओके, और दूसरा वाला जो रेड कलर का है ये हमको लग जाएगा इसके स्विच के नीचे साइड में, तो हम इसको एक ही कनेक्शन निकालेंगे तो इसको मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रेड कलर, यस, ये हमने इसका निकल दिया, ये इसमें से निकल गया। अब ये ढक्कन जो है हमारा मशीन का प्रेशर कम है ना, तो हम सबसे पहले ये पंप साइड है, ये देखो ये मोटर साइड है, ये पंप साइड है, तो हम ये पंप साइड खोलेंगे। इसके लिए हमको ये चार एलेंकी खोलना पड़ेगा। यस, ये इसमें फिटिंग हो जाएगा। खुल जाने दो पहला, ये देखो ये ऊपर से ये निकला, ऊपर साइड से ये जो अंदर ना ये तीन वाइट वाइट ऐसे पॉइंट रहते, तो हमको ये क्या करना है इसको निकलने का, बाहर ऐसा मैंने प्लेयर से इसको खींच के निकाला तीन हुआ है ना, ये देखो ऐसा निकलने का, बहुत ही जाम रहता है अंदर, आपको प्लेयर से खींच के इसको निकलने का गिरेगा। ओके, तो ये जो है ना ये जो मेन एक वाइसर टाइप काम करता है, मैं आपको बता दूं एक्चुअली इसको करना क्या है। इसमें मेन जो ना इसमें काम है वो इसमें काम है, और ये एक टाइप का रबड़ निकला है यहाँ से, ये देखो यहाँ पर ऐसा रहता है, ये देखो ना, ये देखो मैं बताता आपको, ये देखो यहाँ पर ऐसा रबड़ फिट रहता है, ये देखो ये रबर, तो हमको ये यहाँ से ऐसा निकालने का, ये रबर यहाँ पर देखो ये और एक लगा हुआ, देखो ये ऐसा वाला इधर एक रहता है, तो टोटल ये तीन और ये वाइट वाला ऐसा वाला तीन है ना, हमको इसमें कुछ काम करना है। और देखो मैं आपको एक और एक बात बताता हूँ, ये देखो इसके अंदर भी रहता है, देखो इसके अंदर भी है आगे इधर, देखो तीन जो ये मैंने ये भी नट निकाल दिया है यहाँ से, ये देखो ये जो नट है ना यहाँ पर दो एक्स्ट्रा नट रहता है, सेम यहाँ पर एक रहता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक किधर है वो नट मैंने निकाला है, वो एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाएगा बल्कि थोड़ा थोड़ा सीन मैंने कट कर दिया ऐसा, ये देखो ये ऐसा इधर रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रहता है वो प्रेशर टेस्टिंग वाला मीटर रहता है, वो रहता है, तो ये जो एक है एक तो हमको ये सब निकल देना है अंदर। बाद में कुछ देखो आपको दिख रहा होगा वाइट कलर का प्लास्टिक है ना, हमको ये भी निकलने का, मैं आपको बताता हूँ बाद में निकलने का कैसा दिखता है अंदर वो। ये देखो ये इसके अंदर से निकलता है, देखो एक दो तीन इसके अंदर से ये निकला, तो हमको इसको खोलने का अभी थोड़ा, और इसके अंदर का स्प्रिंग है उसको थोड़ा सा ऐसा लंबा करेंगे, मतलब उससे क्या थोड़ा स्प्रिंग थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देगा वो। यस, ये देखो ये बाहर आ गया एकदम ईजिली, ये देखो ये बाहर आ गया स्प्रिंग, इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसा खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे, ये देखो ऐसा। यस, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा सा लंबा स्लाइडली थोड़ा सा लंबा करने का इसको, ये देखो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा स्प्रिंग थोड़ा सा वो पावर बन जाएगा, पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा वो। तो इसको बस खाली क्या करना, इसके अंदर वापस ऐसा पुश कर देना ऑटोमेटिक, अंदर जा करके वो लॉक हो जाएगा, ये देखो लॉक हो गया ऑटोमेटिक है ना, तो हमको ऐसे ही करने का है वो भी। चलो ये जो तीन है तो हम इसको क्या करेंगे वापस इसको ऐसा लगा देंगे अंदर, इसके अंदर आगे साइड वाले, तो उंगली से इसको ऐसा प्रेस करेंगे चारों ओर से ठीक से उसको बिठा देंगे अंदर, ये भी ऐसे करेंगे। यस, ये भी बैठ गया ठीक से, तो ये तीन इसके अंदर से जो हमने निकाला इसके अंदर से, अब मैं बताऊँ इसको भी क्या करने का, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो जैसे हम इसको अगर खींचेंगे ये भी ऐसे ही बाहर आ गया, जैसे हमने उसका निकाला था ना, देखो ये भी ऐसे प्लास्टिक जैसा जो है स्प्रिंग है इसके अंदर, ये हम इसको ऐसा अलग करेंगे, ये फिर बाद में इसको भी ऐसे हम खोलेंगे। अब इसको ये देखो इसको जैसे ऐसा प्रेस करेंगे हल्का सा, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा वो। अरे कहाँ जा रहे हैं जाना, ये देखो ये गया निकल गया वो, थोड़ा सा और पुश कर देते हैं, हाँ ये देखो ये दिख रहा है आपको स्प्रिंग निकला है, देखो तो इसको ऐसा थोड़ा लंबा करेंगे इसको छोटा स्प्रिंग को। अब हम फिर से ऐसे सेम ऐसे उसको फिटिंग कर देंगे, ये देखो आप ध्यान से देखो, बाद में आप भी अपना खुद का भी मशीन ऐसे ही ठीक कर सकते हैं एकदम, तो बिल्कुल आसान है वो। ये देखो ये रेडी हो गया, तो हम इसको क्या करने का है, ये देखो ये लिया इसके अंदर सेम ऐसे फिट कर दिया, ये देखो ये परफेक्ट बन गया रेडी है ना, ये रेडी हो गया। हमको वापस से क्या करना है, इसको इसके जो यहाँ से हमने निकाला था यहाँ से हम वापस इसको डाल देंगे ऐसा, बराबर परफेक्ट वो बैठ गया नीचे जा करके ऐसा, तो हमको तीनों भी ऐसे ही बिठा देने का है इसको। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ मेन बात, ये देखो ये आपको तीन रिंग दिख रहा है, ये एक तरफ से समझ लो कि जो टू व्हीलर का जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन का जो रिंग होता है ये एक तरफ से रिंग जैसा काम करता है, और पिस्टन रिंग के सिवा तो वो प्रेशर ही नहीं बनेगा ना, है ना। ये है तीन पिस्टन, ये देखो ये एक दो तीन, ये तीन पिस्टन है और ये समझो इसका रिंग है ना, तो ये जो रिंग है प्रॉपर जो है ना उसको मतलब ये होना चाहिए, मतलब पैकिंग होना चाहिए सही से, जब ये प्रॉपर पैकिंग होगा तो ही वो जो है ना वो कंप्रेस बनेगा ना, प्रेशर बनेगा ना। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा पता है, बिल्कुल लूज़ हो चुका है, ये देखो
पुराना हो गया तो ये बिल्कुल लूज़ हो गया, बहुत ज़्यादा मशीन चला लगता है। देखो ये बिल्कुल लूज़ जा रहा है, देखो जब ये लूज़ जाएगा ना तो इससे क्या हो जाएगा, वो प्रेशर बनेगा नहीं। तो हमको ये टाइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो रिंग होता है ये इसके अंदर फिक्स बैठता है, इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये रबर के साइड से इसको बिठाने से पहले साइड से थोड़ा पैकिंग डालेंगे, ऐसे टाइट पैकिंग डालेंगे, दबा के इसको जोर से अंदर डालेंगे ताकि जो रबर है वो दब के रहे। जब इसे दब के रहेगा तो ऑटोमेटिकली अंदर का प्लेस जो है वो कम बनेगा और इससे क्या होगा, इधर वो प्रेशर बनेगा। तो मैं आपको बता दें, एक्चुअली आपको समझ में आया कि नहीं मालूम नहीं, मैं आपको जब ऐसे प्रैक्टिकली करके दिखा तो आपको शायद समझ में आ जाए। ये देखो मैंने कुछ एक प्लास्टिक का मटेरियल लाया हुआ है, बिल्कुल पतला है। ये एक कैसा प्लास्टिक है, एक तरह से जो लोग जो एक्सरे वगैरह करते हैं ना उसका जो पता ना आपको इतना बड़ा सा प्लास्टिक आता है, वो उस तरह का मटेरियल है ये, है ना। तो आप वो भी ले सकते हो, प्लास्टिक का पतला कुछ भी लेना चाहिए, सब पट्टी जैसा। तो हमको इसको क्या करने का है, इसे पहले कट करेंगे। आपको पता ना एक्सरे निकालते जिससे आप ऐसा वाला लो, हाँ आप अगर आपका ऐसा वाला प्लास्टिक नहीं है तो ऐसा बाद में इसको कट करेंगे और हम बाद में बराबर से मेजरमेंट करेंगे इसके अंदर गोल राउंड डालने का, ऐसा इस थ्रेड के अंदर, इस ट्रे के अंदर। ये देखो मैंने डाला है, इसको क्या, ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको साइड से बाद में कट कर देंगे। ऐसा बाद में तीनों को भी सेम ऐसा डालने का। ये देखो ये जो रबड़ है, ये रबड़ डालने से पहले साइड से ऐसा प्लास्टिक डालना है, इसे मोटा वाला, ताकि वो अंदर जाके दब जाए सब रबड़। जी हाँ दोस्तों, अब हमने फिटिंग कर लिया है। देखो हमने तीनों लगा दिया, वाइट वाला भी और ये जो रबर है ये भी हमने लगा दिया। बस खाली साइड से उसको एक्स्ट्रा पैकिंग डाला ताकि वो रबर उसको दबा के पकड़े, इसलिए है ना इसको अच्छे से कंप्रेस बनाएगा इसलिए। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे। मिलेंगे कभी दम, तुम्हें कितना चाहे और हम। तो दोस्तों फाइनली फिटिंग हो गया, अब हम देखेंगे मशीन चलता है कि नहीं चलता। अगर नहीं चला तब तो मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा आज। अब देखते चलता है कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम के साथ मैं पहला बार अभी ऐसा मतलब सही करने जा रहा हूँ, है ना। तो बस चलना चाहिए, देखते अपना काम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ऑन करता हूँ, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, डर गया मैं। ये देखो हाँ कैसा प्रेशर आएगा, देखो ये मैंने कनेक्शन किया हुआ है इधर, ये देखो कैसा प्रेशर आएगा। ये देखो बन गया मस्त, ये देखो पावरफुल प्रेशर फिर से, हाँ नया जैसा प्रेशर आ रहा है। देखो ज़रा खतरनाक, देखो कैसे मट्टी उखाड़ देगा, देखो खतरनाक प्रेशर आया इसमें अभी, आपने देखा क्या। हाँ कैसा प्रेशर, दूर से इधर दिखाता हूँ, ये देखो कैसा प्रेशर, देखो कैसा पावरफुल प्रेशर आ गया फिर से। पता नहीं इधर से लीकेज हो रहा है कुछ, तो रहने दो। ये देखो प्रेशर पावर एकदम, ये देखो अब जो है ना, अब जैसे हम स्प्रे करते तो भी स्प्रेड करने से भी चलेगा। देखो हाँ ये देखो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, एकदम ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ना। अब पॉइंटेड करेंगे तो भी पावरफुल मारेगा एकदम। ये देखो ऐसा पॉइंटेड, ये पॉइंटेड और ये स्प्रेड, खतरनाक प्रेशर एकदम, पावरफुल प्रेशर आ गया इसमें भी। तो आपको अगर ये मशीन अच्छा लगा तो आप खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप सीधा अमेज़न से खरीद सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।